हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और शार्ट डिस्कशन के लिए आपके साथ जुड़े हैं। आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे कि मैंने अभी हाल के वीडियो में यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का सिलेबस डिस्कशन आप लोगों के साथ किया है, उसमें 10 यूनिट हैं और उसमें फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आज हम उसी पे संक्षिप्त चर्चा करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, और उसके बाद हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो भी मुख्य मुख्य टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज यूजीसी नेट पेपर से रिलेटेड जो है अपलोड कर रखी हैं, साथ ही समाज कार्य विषय से और सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी यहाँ पे मैंने जो है डिस्कशन किया है। इसके अलावा इस जो है चैनल पर आपको यूजीसी नेट सोशल वर्क और जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट दोनों से संबंधित वीडियोज मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियोज पसंद आ रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, तो आइए आज के टॉपिक पर आते हैं। शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है, और ये परिभाषा जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दी गई है। दोस्तों, शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो दूसरे व्यवसायों को आकार भी देता है, यानी सारे व्यवसाय इसी के रास्ते से होकर निकलते हैं। तो APJ अब्दुल कलाम ने परिभाषित किया कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा की बात कही गई, ऊपर शिक्षण की बात की गई है और यहाँ पर शिक्षण की, शिक्षण और शिक्षा। दूसरी बात, शिक्षा समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है, और ये परिभाषा GK चेस्टर्टन ने दी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, और ये दोनों परिभाषाएं जो है डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं कि ये परिभाषा किसके दी गई है। तो आप जब पढ़ें तो इसको ध्यान में रखकर ही जो है आगे पढ़ें। इसके बाद हम जो है अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, तो एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। किसी उच्च शिक्षण संस्थान में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय यानी कि जो UGC नेट सिलेबस के 10 यूनिट हैं पेपर फर्स्ट में, उसमें का जो पहला अध्याय है जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता। टीचिंग एप्टीट्यूड को हिंदी में शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं। तो शिक्षण अभिक्षमता के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। तो ये जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं कि जो है शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो Unit 1 है, इसमें किस चीज़ को सम्मिलित किया गया है, क्या क्या इसमें रखा गया है। तो इसमें शिक्षण अवधारणा, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति 1 जुलाई 2020 को आई है, तो उसमें बताया गया है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो शिक्षा है पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, उसके बाद एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है।
ये बात NEP 2020 में कही गई है। इसके बाद हम आइए देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। और जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो हमारे SDG गोल हैं, जिनकी संख्या टोटल 17 है, तो वहाँ पर भी जो हमारा SDG गोल 4 है, कौन सा 4, वहाँ पर आप देखेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। तो 2015 में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लक्ष्य, जो 2016 से लागू हुए, सतत विकास के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास कार्यसूची में समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात जो है याद रखने वाली है, क्या कि जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात SDG लक्ष्य 4 में की गई है, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की बात, और इसका लक्ष्य 2015 से 2030 तक का है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि शिक्षा एक सफल शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं। UGC नेट परीक्षा में क्या होता है कि इसी तरह की 4-5 लाइनें ऑप्शन में होती हैं, और इसमें पूछा जाता है कि 1 BC सही है, 2 CD सही है, 3 सही हैं, 4 सही हैं, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह की लाइनें होती हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। शिक्षा एक सफल शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। इसके बाद आगे की जो लाइन है उसमें बताया गया है कि शिक्षा हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, और एज ही जैसे यहाँ पर लिखी है ऐसे ही सीधे ऑप्शन में वहाँ आ सकती है, तो बिल्कुल याद रखने वाली और ध्यान रखने वाली जो है बात है यहाँ पर। इसके बाद अगली जो लाइन है कि अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, और ये तो कई बार ये लाइन जो है विभिन्न जो है एग्जाम में UGC नेट पेपर के विभिन्न जो है शिफ्ट में एक लाइन जो है पूछी जाती है लगभग। तो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य परिणाम है, कोई भी शिक्षण होता है उसका मुख्य परिणाम अधिगम ही होता है, यानी सीखना ही होता है, ज्ञान ही होता है। तो ये बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे जो महत्वपूर्ण बात की गई है, छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए मूल्यांकन भी किया जाता है, ताकि उसको भविष्य के समाज में अधिक सफल और संभव होने योग्य वाले ढंग से संयोजित किया जा सके। यह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, और इसको भी याद कर लेना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी डिस्कशन मैंने ऊपर किया है, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो लास्ट लाइन है हमारी कि शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन का आपस में निकटतम संबंध है, आपस में निकटतम संबंध है, कैसा संबंध है, निकटतम संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षा, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन, ये जो 4 बिंदु हैं यहाँ पर, इन्हीं 4 बिंदुओं पर हमारा जो यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड जो है डिटेल से आगे इसी 4 बिंदुओं को केंद्रित करके जो है रखा गया है इसमें पाठ्यक्रम। अब आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएँ क्या हैं, शिक्षण की परिभाषा क्या है, ठीक है, शिक्षा क्या है, और अरस्तु ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, जॉन डेवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, फ्रोवेल ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। इसके बाद जब हम शिक्षण पर आते हैं, तो शिक्षण की परिभाषा क्या होती है, उसकी अवधारणाएँ क्या हैं, अस्तित्ववाद क्या है, प्रयोजनवाद क्या है, रचनावाद क्या है, और आदर्शवाद क्या है, इस तरह की महत्वपूर्ण जो है मुख्य अवधारणाएँ
जो है यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षण में। इसके बाद जब अधिगम की बात आती है तो अधिगम में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो है चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे अधिगम में। इसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हैं वो हम जो है मूल्यांकन में देखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा यूनिट ये होगा फर्स्ट, जिसमें चार शब्दों को केंद्रित करके इन्हीं को विस्तार में पढ़ना है, और इसके बाद इसी में बहुत सारी चीज़ें जो है समाहित हैं। जैसे कि मैं आपके साथ यहाँ पे 2 मिनट का टाइम लूँगा, बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे जो भी पाठ्यक्रम दिया गया है उस पाठ्यक्रम में इन्हीं चार शब्दों को केंद्रित करके, अब जैसे शिक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें जो परिभाषाएँ, किसने क्या कहा, ये सब चीज़ें, हर यूनेस्को ने क्या कहा, ये सब चीज़ें। इसके बाद शिक्षण में क्या पढ़ेंगे, धारणाएँ, इसके उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, जैसे स्मरण शक्ति का स्तर, समझ, विचारात्मक स्तर, विशेषताएँ, मूल अपेक्षाएँ, ये पढ़ेंगे। और अधिगम में क्या पढ़ेंगे, अधिगम में बहुत सारी जो अधिगम कैसे होता है, आज ऑफलाइन ऑनलाइन का चरण जो है ट्रेंड चल रहा है, इसी के अंतर्गत मॉक पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रभाव पढ़ेंगे। उसके बाद मूल्यांकन, और इसी प्रकार जो है बहुत सारी चीज़ें इसी के अंदर हम अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, ये सब चीज़ें मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा यूनिट फर्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, वो इन्हीं चार शब्दों पे डिपेंड है, इन्हीं चार शब्दों का विस्तार है। तो यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो छिपाने के लिए। और चलते चलते मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता हूं, जो UGC नेट पेपर फर्स्ट और सोशल वर्क से संबंधित होती हैं, सोशल वर्क जो है सेकंड पेपर। तो यहां पर हम जो है फर्स्ट पेपर के लिए आज डिस्कशन कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, एक इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर मैंने ली है, और इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण जो है ऐसे टॉपिक उठाएँगे जहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण वीडियोज हम लेके आएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए जो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।